नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपना 11वां भाषण दिया और उस भाषण में, यानी कि उनके तीसरे कार्यकाल का ये पहला इंसिडेंट था जब उन्होंने आज अपना झंडा फहराया। और उस लाल किले से आज कुछ बातें जो मोदी जी ने कही, वो कई लोग इस बात को लेकर लिख रहे हैं कि ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं किया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी जी ने आज एक बड़ा ऐलान किया। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरोकारी उन्होंने पहले भी की है और इस चीज को लेकर उन्होंने देखा कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस भी हुए हैं, विरोध प्रदर्शन भी हुए, कुछ सरकारों ने इसको लेकर कानून भी वो लेकर आई। लेकिन लाल किले से इस बात को मोदी जी का कहना कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना हुआ है वो कम्युनल सिविल कोड है और अब उनकी सरकार एक सेक्युलर सिविल कोड पर काम कर रही है और वो चाहती है कि एक सेक्युलर सिविल कोड लाया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया था, वो या तो मूर्ख थे या तो उनको कुछ आता नहीं था। और इस बात को लाल किले से कहना, और ये वाकई में क्या अंबेडकर का आज अपमान मोदी ने इस तरीके से नहीं किया, जो संविधान के जो रचयिता थे, जिन लोगों ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े बड़े डिबेट्स किए, महीनों निकाल दिए, आज क्या उन लोगों को नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि देखिए आपने जितनी कोशिशें की थी वो सब बेकार थी क्योंकि आपने कम्युनल सिविल कोड बनाया था, लेकिन अब मेरी सरकार उसको पलटेगी। यानी कि वो लाल किले से अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, संविधान को चुनौती दे रहे हैं। और क्योंकि लाल किले से अब उन्होंने ये बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार अब इसको एक एजेंडे के रूप में उसको रखेगी आगे और उसकी पहली प्राथमिकता यही होगी कि इस सेक्युलर सिविल कोड को लाया जाए। आज इसी पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ दीपक कबीर जी है जो कि वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट है, पोलिटिकल एक्टिविस्ट है। दीपक, आपका स्वागत है। अनिल सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार, पोलिटिकल कॉमेंटेटर हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और ये बात मोदी जी की कहना कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक बना था वो एक कम्युनल सिविल कोड है और अब जो लाया जाएगा वो एक सेक्युलर सिविल कोड लाया जाएगा, मैं अनिल जी आपसे शुरू करती हूँ कि क्या आज लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने अंबेडकर का और संविधान का अपमान नहीं कर दिया? देखिए, ये उनका मतलब आप लगातार उनका एजेंडा के हिसाब से कर रहे हैं, अपमान अभी कर दिया ये, इसमें खाली इसी को मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप बदल लीजिए। अपमान लगातार करते रहे, एक अपमान और कर दिया, ये मतलब ये नहीं है क्या कि ये अपमान जो है एक बार कर दिया और हम चकित हो जाए। ये चकित होने की कोई बात नहीं है, उनका हमला जारी है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक हमला उन्होंने ये किया, दूसरा लोकतंत्र पे हमला किया, वो जो फेडरलिज्म है और इसके खिलाफ वन नेशन वन इलेक्शन का, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर हमला किया उन्होंने। तो वो दोनों हमले उन्होंने जो जारी, जो आप आरएसएस का जो लॉन्ग टर्म गोल है, लोग गलत बताते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र का है, उसको एक फासिस्ट राष्ट्र बनाना है, उसमें वो हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए वो उसी तरह का राष्ट्र बनाना है। तो उसी के तहत उन्होंने ये एजेंडा रखा। ये दोनों एजेंडा को एक साथ देखना चाहिए और ये दोनों जो है सो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन सबका अपमान है, उसके खिलाफ है। और चूंकि इलेक्शन का नाम आता है, आगे आगे लग जाता है, तो हम लोग डर जाते हैं कि भाई इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन वो बात नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए है। और ये जो सिविल ये है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज कहा उन्होंने, वो इसी के लिए है। वो भी वही है कि प्लुरलिज्म जो है देश में, जो बहुलतावाद है, उसको खत्म किया जाए। कौन सा कम्युनल कानून उसमें सिविल में है भाई? वो जो पर्सनल लॉज है, वो पर्सनल लॉ जो है वो तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, हिंदुओं में जो हिंदू कास्ट के बीच में भी है अंतर है और उसको रिकॉग्नाइज किया है ये हमारे ये संविधान ने। और दूसरा इंतजाम है कि अगर आपको सिविल तरीके से मैरिज करना है या सिविल लॉज में मानना है तो उसके लिए कानून बना हुआ है। तो इसीलिए ऐसा थोड़ा है, उसमें जिसको ये सिर्फ ऑप्शंस उनको दिया गया, जो इनहेरिटेंस मैरिज और तलाक के जो कानून है, वो कानून जो है उसमें अलग अलग लॉज को रिकॉग्नाइज किया गया। और इन्होंने तो हिंदू कोर्ट बिल का विरोध किया था, जो कि हिंदू धर्म में जो
पॉलीगैमी वगैरह का था, उसको बंद करने के लिए हिंदू कोर्ट बिल लाया था अम्बेडकर ने, लेकिन उसको तो इन्होंने ही, हिंदुत्ववादियों ने ही और आरएसएस ने ही उसको, हिंदू महासभा ने उसको गिराया, और कांग्रेस के जो कम्युनल एलिमेंट्स थे, कांग्रेस का मतलब ये नहीं है कि पूरा सेकुलर है, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग रहे हैं ऐसे गद्दार किस्म के लोग जो कि आरएसएस के स्लीपर सेल थे, अभी भी हैं, तो उन लोगों ने भी उस वो नहीं होने दिया। तो वो जो है ये उसी का है और सरासर अपमान है लोगों को अभी। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, ये उनको जो चेतना आई है, मतलब जो अनिल जी ये तो मानेंगे ना कि ये बात ऐसे कहना और लाल किले के प्राचीर से कहना उसमें कितना डिफरेंस है। आज अगर लाल किले से वो ये बात कह रहे हैं तो फिर ये इसको किस तरीके से लिया जाए। लाल किले से बात कहना वो भी अपने प्रधानमंत्री के भाषण में, ये अपने आप में काफी संगीन तरीके से इसको देखा जा रहा है। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, और जो कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उनका एक ट्वीट है इस पर, और मैं पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है, आज के उनके लाल किले के भाषण से यह पूरी तरह से दिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कहना कि हमारे पास अब तक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है, जो हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के सबसे बड़े समर्थक थे। ये सुधार 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविकता बन गए। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने 21वें विधि आयोग द्वारा 31 अगस्त 2018 को पारिवारिक कानून के सुधार कर दिए गए परामर्श पत्र के कथन का उल्लेख किया। तो इस तरीके से जयराम रमेश ने इसको इस पर याद किया है। जी अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर मैं दीपक के पास जाऊंगी। समझ लीजिए कि इसको आइसोलेशन में मत देखिए, आइसोलेशन में मत देखिए। तीन चीजें उन्होंने कही हैं जो पॉलिटिकल है, उसको समझना होगा। एक चीज उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन कहा, वो है फेडरलिज्म के और इसके खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ। दूसरा उन्होंने कहा कि 1,00,000 तैयार करेंगे वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स या क्या पता नहीं क्या कहा उन्होंने, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन वो नौजवान तैयार करेंगे, जो नौजवान परिवार, उनके परिवार वाला कोई नहीं रहा होगा। ये तो अब मतलब कि मतलब वो एक तरह का एक अटैक करना चाहते हैं गांधी परिवार के खिलाफ, एक मुहिम चलाना चाहते हैं कि ये परिवार है। तो उनका एक एजेंडा परिवारवाद है, दूसरा ये हिंदू मुस्लिम वाला जो सिविल कोड वाला है, और तीसरा एजेंडा है उनका ये क्या कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये तीन एजेंडा जो है उन्होंने डिक्लेयर किया, एक पॉलिटिकल फाइट वो निश्चित तौर पर, जब उन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये कहा है तो निश्चित तौर पर ये उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट है ये, और पॉलिसी स्टेटमेंट है, इसका मतलब कि जल्द ही वो जो है ये कानून के बारे में मतलब जो करना है उनको और आगे वो करने की कोशिश करेंगे और इस पर विवाद। लेकिन दिक्कत ये है कि नैरेटिव जो है अभी तक की नैरेटिव राहुल गांधी सेट करते रहे और कांग्रेस सेट करती रही है, जाति जनगणना के मुकाबले ये नैरेटिव उन्होंने लाने की कोशिश की है, लेकिन ये जाति जनगणना वाला नैरेटिव को फेल कर पाएगा इसमें मुझको डाउट है। ये फाइट उन्होंने मतलब ऑफेंसिव जो कहता है ना, जो ऑफेंस करना सबसे बड़ी ये जो है सो पॉलिसी है, बेस्ट पॉलिसी, तो वो उन्होंने अख्तियार किया है। वो जो जाति जनगणना का जो फेंका है उन्होंने, और जो चल रहा है रोजगार का मामला और ये सारे जो देश से जुड़े हुए मामले हैं वो जो चला है उसको काउंटर करने के लिए आरएसएस ने उनको दिया है, और वो आरएसएस को कर रहे हैं। लेकिन सेनापति थक गए हैं, और ये थके हुए सेनापति से आरएसएस ये लड़ाई कितनी दूर तक लड़ पाएगा इसमें मुझको संदेह है। ठीक है, मैं दीपक से रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि दीपक, आज जब ये कम्युनल सिविल कोड की बात जब मोदी जी उठा रहे थे कि जो सिविल कोड बनाया गया वो कम्युनल था, तो उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार यूसीसी को लेकर काफी चर्चा हुई है, और उस समय कैमरा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर गया जो कि लाल किले में बैठे हुए थे और उस समारोह में उपस्थित थे, और कैमरा उनके ऊपर दिखा। क्या आज वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अब हमारी मंशा ये है कि हम एक सेक्युलर सिविल कोड लाएं और अब कोर्ट्स का काम है कि वो उसको रेटिफाई करें, क्या आज वो संदेश दे रहे थे? और एक कमेंट आपसे उस पे भी लूंगी कि लाल किले से इस बात का ऐलान करना क्या अपमान नहीं है अंबेडकर का, क्या अपमान नहीं है संविधान का? देखिए
मोदी जी, आवाज आ रही होगी मेरी? बोलिए बोलिए। मोदी जी ने क्या बोला, कैसे बोला, क्या कंटेंट था, क्या योजना थी, ये एक पक्ष है। मोदी जी को अब सुन कौन रहा है? अब कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। आप डिबेट कर रही हैं, वरना ये भी बात ना होती। वो द गेम इज ओवर नाउ। अब चला चली की बेला है, अब ऐसे कुछ बचा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सपने देखे जाते हैं, रात भर देखे जाते, देखे जाते हैं, 5 बजे नींद खुल जाती है, लोग टूट जाते हैं सपने। अब सपनों की थोड़ी बहुत मेमोरी बची है, बस लोग देख चुके हैं। ये आदमी प्रधानमंत्री सबसे लंबा भाषण दे रहा है, सबसे खराब कार्यकाल का। भाषणों से अगर देश चलता तो इनका लंबा भाषण काम आ जाता, ये अब तक का सबसे लंबा भाषण है। और असर देखिए, भाई साहब कह रहे हैं हम 2036 का ओलंपिक कराना चाहते हैं, 5 लोग। ओलंपिक का पैसा गुजरात जाता है, मेडल पंजाब हरियाणा वाले जीतते हैं, 2-4 मेडल आ पाते हैं। क्या मतलब शब्दों को चाहे जो बोल दो, विश्व विश्व गुरु बना दो, विश्व विजय करवा दो, पप्पा बना दो, सबका समझौता करा दो, है क्या? आत्मनिर्भर हर चीज में होना चाहिए, जिसमें थे उसमें बचे नहीं। इंदिरा गांधी करवा के गई थी, अब वो सब तो चीजें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। तो आप बोल क्या रहे हो? आप इनके समर्थक भी अब कंफ्यूज हो। आप राजघाट में गांधी जी को श्रद्धांजलि दे के जाते हो और गोडसे की पॉलिसी की बात करते हो। किस पे कौन यकीन करे भाई? ना गोडसे वाले कर पा रहे हैं, ना गांधी वाले कर पा रहे हैं कि तुम कौन हो। तो एक एक तथ्यहीन, तर्कहीन, कार्यहीन प्रधानमंत्री है, जिसको भाषण देने की सुविधा मिली हुई है। आपने कहा एक मुद्दा, मैं तो सारे मुद्दों पे बोल देता, लेकिन आपने एक कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड और कम्युनल सिविल कोड। देखिए कम्युनल शब्द खराब है, कम्युनल शब्द इन्होंने अब तक, ये बात बिल्कुल सही है कि 75 साल से कम्युनल, 78 साल से कम्युनल सिविल कोड चला आ रहा है, जो भी कहा, ये अपमान है, ये झूठ भी है, ये झूठ भी है। तो मोदी साहब को झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं, एक और तमगा जुड़ गया कि लाल किले से झूठ बोलने की अब इनको आदत पड़ गई है। लेकिन ये अपमान है, क्योंकि आप लोगों को कह रहे हो, एक तो ये सिद्ध कर रहे हो कि कम्युनलिज्म खराब चीज है, क्योंकि बीच में तो इनके लोग नारे लगाने लगे थे कि हाँ हम सांप्रदायिक हैं। अब इनको ये समझ में आएगा कि सांप्रदायिकता कोई खराब चीज है, उसे हटाने की जरूरत है। सेकुलर शब्द को गाली बना दिया था इन लोगों ने, अब कह रहे हैं सेकुलर सिविल कानून चाहिए। सिविल कानून या सेकुलर, कम्युनल, ये सब शब्दों का इस्तेमाल जगलरी कहलाती है, क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे का कोई साइंस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। बार बार हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में उसका ब्लूप्रिंट लाओ, बताओ कि कहां पे क्या बदलने जा रहे हो। 20 सालों से सुन रहे हैं, 25 सालों से सुन रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से सुन रहे हैं, ये जनता को बरगलाने के लिए। आप ब्लूप्रिंट बताओ कि हम ये बदल के ये करने जा रहे हैं, ये बदल के ये करने जा रहे हैं, और देश पे इससे ऐसे असर आने जा रहा है। अगर रिलीजियस पर्सनल लॉ छोड़ दिया जाए तो कौन सी चीज है भाई सिविल कोड? देश का कौन सा काम उससे रुकता है? हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, हत्या करेगा, रेप करेगा, चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, सजा मिलेगी उसे कि नहीं मिलेगी? कौन सा मतलब सिविल, वो सारे कानून से देश चलता है कि सिविल लॉ कौन से होते हैं? आपको अगर संविधान में धार्मिक आचरण का अधिकार मिला है, ऐसे तो लोग कहेंगे हिंदू धर्म में तमाम चीजें हो रही हैं, नास्तिक लोग खड़े हो जाएंगे कि ये क्या कर रहे हो। तो अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता में आपको सूर्य पूजन का अधिकार मिला हुआ है, भले वैज्ञानिक कहें कि सूर्य की पूजा उजा नहीं होता, सूर्य तो ग्रह है, अभी यहाँ होगा, छुपेगा, ग्रहण होगा, लेकिन आपको अधिकार मिला हुआ है ना। तो रिलीजियस, पर्सनल रिलीजियस बिलीफ को मानने के अलावा और कौन सी ऐसी चीजें जिससे देश पे अटकाव आता है? लेकिन इनको हिंदू मुसलमान की पिट पे लाना है और बहुसंख्यक हिंदुओं के मन में ये भ्रम पैदा करना है कि मुसलमान को ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये भ्रम है। तो हम लोग कहते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट लाओ। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, इंक्लूडिंग अमित शाह,
लाएं ब्लूप्रिंट उसका, बहस करवाएं ओपन, पता चलेगा नहीं है ब्लूप्रिंट इनके पास, ये ऐसे ही करते रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने जो सुझाव दिए हैं सबसे लंबे भाषण में, सारी वो चीजें उन्होंने करी हैं जो ये बर्बाद कर चुके हैं। शिक्षा नीति का हाल, शिक्षा पूरे देश से बर्बाद हो चुकी है, पूरा देश जानता है। विकसित भारत, इकोनॉमी बढ़ाने की, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग तबाह है। अगर बैंक जो है आम आदमी बुधिया और जुम्मन और रघु और मनोहर प्रसाद के मामूली पेंशन के 1,000-2,000 रुपए से मिनिमम बैंक बैलेंस जो है वो ना काट ले तो बैंक बैठ जाएंगे, लूट रहे हैं बैंक, क्योंकि बैंकों ने एनपीए वसूलने का जो सिस्टम था वो 4 बड़ी कंपनियों को दे दिया रिलायंस अडानी जैसी, और मनमानी लूट चल रही है। तो बैंकिंग सिस्टम खराब किया। रेल का तो 365 दिन का कैलेंडर बना हुआ है, हर दिन पे कहां का एक्सीडेंट होता है लोग सवेरे लिख रहे हैं। रेल पूरी बर्बाद करी, बैंक पूरी बर्बाद करी, बैंक बेल बीमा सब बर्बाद किया, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बर्बाद करी, स्किल इंडिया इनका पता नहीं कहां चला गया, इनके जिस भाषण में दे रहे होंगे, जिस माइक से बोल रहे होंगे, माइक चाइना से आया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं, जो टेंट लगा है वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये योग दिवस मनाते हैं, उस योगा मैट तक को तो चाइना से मंगवाते हैं, तिरंगा झंडा तक चाइना से मंगवाने लगे हैं, ये क्या बात करेंगे। तो बोलना है, सिर्फ बोलना है, भारत हम भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, बोलने से थोड़ी बनता है। आज दीपक, ये तो सारी बातें हैं, लेकिन जो बात फोकस करने वाली है और वो यही है कि आज अचानक से कम्युनल होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेक्युलरिज्म से प्यार कर बैठे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम सेक्युलर सिविल कोड बनाएंगे। तो ये सेक्युलर सिविल कोड से मोदी जी को इतना प्रेम क्यों है, और इसका ऐलान आज उन्होंने कर दिया एक तरीके से अगर लाल किले से, तो ये कितनी बड़ी बात हो गई आज, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है। सेकुलर शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि वो पहले के चीजों को कम्युनल कहना चाहते थे, वो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पहले तुष्टीकरण होता था, पहले अडवाणी की जबान में भी यही था, ये आरएसएस की थ्योरी है कि वो धर्म निरपेक्षता जो भारत का सिद्धांत है उसे छद्म धर्म निरपेक्षता कहते थे, सूडो सेकुलरिज्म कहते थे, और सूडो सेकुलरिज्म को उन्होंने सूडो सेकुलरिज्म कहने के बजाय कम्युनल कह दिया, और वो चाहते हैं कि वो कोई सेकुलर, असली सेकुलर वो बनेंगे। हम कहते हैं ये बहुत खुशी की बात है कि वो सेकुलर बनने को तैयार, लेकिन वो सेकुलर मॉडल क्या है वो बताएंगे। पहले का मॉडल तो सबके पास है, पहले का मॉडल आम जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको नहीं मालूम है, उसको बड़ी आसानी से बरगलाया जा सकता है, उसको तो वो साइंस तक पढ़ने के बाद भी गणेश जी को दूध पिला देती है, क्या करे, वो रोज जो है साइंस पढ़ने के बाद भी जो है वहां चली जाती है, जो बिस्कुट में विष होता है ऐसे बाबाओं के पास चली जाती है, वो समोसे और चटनी वाले बाबाओं के पास चक्कर काट रही है क्योंकि वो इनसिक्योर है, उसके पास रोजगार नहीं है, बीमारी है, अस्पताल नहीं है, इलाज नहीं है, अधिकार नहीं है, तो वो यही सब बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर काट रही है जो रोज किसी ना किसी केस में फंस रहे हैं। एक अवैज्ञानिक भारत बना दिया है, एक तर्कहीन भारत बना दिया है, और ये विश्वगुरु बनने की बात करेंगे, लोग हंसेंगे। तो मुझे लगता है कि इनसे सिर्फ एक सवाल है, लाइए भाई साहब आप सिविल कोर्ट लाइए, आप सेकुलर सिविल कोर्ट लाइए, आप कहिए कि सेकुलरिज्म जिंदाबाद, जय जय सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म जिंदाबाद, अपने लोगों से कहलवाइए। बट देयर शुड बी ए क्लियर ब्लू प्रिंट, वहां एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ये पॉइंट हम बदल के अब ये करने जा रहे हैं। हिंदुओं में मार हो जाएगी अगर ये करेंगे, आप हिंदू रिलीजन की डाइवर्सिटी नहीं जानते हैं। इतना बड़ा ऐलान लाल किले से कर दिया बिना किसी ब्लूप्रिंट के, बिना किसी विजन के कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने जिक्र कर दिया कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो इसको लेकर काफी चर्चा हुई, तो क्या हवा में ही बात कर दी, कर डाली आज इन्होंने यूसीसी की। कहने को ये भी कह सकते हैं कि देखिए ये कहने को सकते हम ओलंपिक जीत आए थे लेकिन हमने मेडल डोनेट कर दिए, अंदरूनी पॉलिसी थी, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये अभी आपको कह दें कि अभी कह तो चुके हैं पापा ने वॉर रुकवा दी, कहीं कुछ होता है भाई, ये इसी किस्म के लोग हैं।
ये हवा में बातें करते हैं, ये अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, ये अपने आप को, इनको कोई लेने आए ना आए, कोई बुलाने आए ना आए, ये अपने आप को हवा में करे हुए हैं। ये तो इनकी बातों पे देखिए रत्ती भर कोई भरोसा नहीं करता है, जनता देख रही है। पहले जनता में इतना प्रचार प्रसार हो जाता था कि जनता कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि ये होर्डिंग लगवाते थे, होर्डिंगों में लिखा होता था बड़ी बड़ी बातें, 2 करोड़ रोजगार, ये वो फलाना पैकेज वैकेज। अब 10 साल होते होते लोगों के सामने दिखने लगा, वो हमारे यहाँ कहावत है कि नाउ नाउ कितने बाल उनका सामने आ जाएंगे, सामने आ गए देख लिए, इतने ही तो थे। तो ना रोजगार है, मंदी छाई हुई है, लोग परेशान है, बिजनेस खुलते हैं बंद होते हैं, चाय बेचने के अलावा कोई बिजनेस लोग कर नहीं पा रहे हैं, वो भी बंद हुए जा रहे हैं, कहाँ से आए, ये क्या करेंगे। और देखिए जब भूखे पेट में है लोग, भूखे होंगे तो लूट होगी। लखनऊ में ऑफ द रिकॉर्ड एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस समय पहले चेन छिनती थी, अब मोबाइल छीनने की मतलब तबाही आ गई है, कारों के अंदर से रोक के मोबाइल छीने जा रहे हैं, कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है। भाई लोग करेंगे क्या, खाने पीने के लिए लूट तबाही होगी, आपके एडवर्टाइजमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से और होल्डिंग से पेट नहीं भरेगा। डिजिटल फ्रॉड इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, कौन बताएगा इनको। तो कुल मिला के स्थिति भारत की बहुत खराब है, डॉलर और रुपए की तुलना आप जानते हैं, रामदेव और इन सब के बयान आने बंद हो चुके हैं, सब अपने अपने खोल में जाके छुप गए हैं, जो पेट्रोल 35 रुपए में बिकवा रहे थे 10 साल पहले, काला धन वापस आ जाएगा यही बता रहे थे, कितने 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, हर गांव में बंटवा देंगे ये मोदी साहब से, इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा, अखबारों में छपा हुआ है इनके बयान। हालत ये है कि लोग पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, लोग एक दूसरे को जाति और धर्म के नाम पे नफरत के अलावा कुछ अब कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ बचा नहीं है कॉन्क्रीट करने को, कुछ क्रिएटिव करने को नहीं बचा है, और ऐसे में 103 मिनट का भाषण पेल के जा रहे हैं। इनको तो मौन रखना चाहिए कुछ दिन का, सोचना चाहिए कि हमने क्या क्या कर डाला इस देश के साथ। बिल्कुल। तो कुल मिला के यूनिवर्सल सिविल कोर्ट पे मेरा इतना ही मानना है कि कहें लाओ, सेकुलर सिविल कोर्ट कह रहे हो ये और अच्छी बात है, उसका ब्लूप्रिंट दे दो भैया, हम पढ़ लें और पार्लियामेंट के अंदर बहस करा लो, इतना कर लो बस, पार्लियामेंट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती अब। जी ठीक है अनिल जी, क्या कहेंगे इस सेक्युलर सिविल कोड पर अंत में, और उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करूंगी, कि आज सेक्युलर से भी प्रेम हो गया, सेक्युलर शब्द से, मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी का भी जिक्र कर दिया, वो भी लाल किले के प्राचीर से अपने पहले भाषण में। तो आपने ये कहा कि इनका एजेंडा सेट है, हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, लेकिन क्या कहेंगे अंत में इस एजेंडा, ये पूरा चीज अनफोल्ड कैसे होगी, कुछ कुछ राज्यों में तो ऑलरेडी UCC को लेकर कानून बन गया है। जी नहीं, देखिए क्या है कि मुझको लग रहा है क्या कि ओवर किल करना जिसको आप बोलते हैं वो कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा हमको लग रहा है कि ओवर किलिंग का मामला है, उन्होंने जो तलाक के कानून थे उससे कौन सा बहुत फायदा मिल गया RSS BJP को, और ऐसा पीट रहे थे जब तक उन्होंने वो डंडा निकाल के डरा रहे हैं। और मुसलमान में ओवैसी वगैरह टाइप के लोग हैं वो सब इसमें उनकी मदद करेंगे कि चिल्लाना शुरू करेंगे क्या कि ये हमारे खिलाफ कर रहे हो, जो उनको करना है जहाँ डिस्क्रिमिनेट करना है वो करेंगे, और उसका इंतजाम वो करते रहे, लगातार जारी रहेगा उनका। लेकिन वो इस ये जब उसको निकाल के ले आएंगे तब इनके लिए मुश्किल है, ये सिर्फ उसका इस्तेमाल अभी एक देखिए उनको एजेंडा की एक तलाश में है किसी तरह से कोई एजेंडा, जो कि जाति जनगणना और जो ये रोजगार है जो जरूरी मुद्दे हैं उसके जो इशू जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशूज आए हैं उसको काउंटर करने के लिए वो सर्च कर रहे हैं, और उसमें वो अपनी तर्कश से वही तीर सब निकाल रहे हैं जो तीर बुझ गए हैं पहले से उनके पास हैं, और वही बार बार उसको निकाल के दिखाना चाहते हैं। UCC भी वैसे ही है, लेकिन आज उन्होंने वर्ड जो चुना इसके लिए वो बहुत ही खतरनाक है, उनको इससे संतोष नहीं हुआ, जैसा कबीर ने बताया कि ये जो है स्यूडो सेकुलर वर्ड बोलते ही थे, तो स्यूडो सेकुलर से भी मतलब उससे उनको संतोष नहीं हुआ, वो तो बोलते ही रहे हैं, तो अब लगा कि सीधे कॉमनली कह दो स्यूडो सेकुलर, हम ही लोग जब सेकुलर हैं तो बाकी को कॉमनली कहा जाए, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया। अब ये दुनिया देखिए, अब ये वो कहा सही ना कि कौन सुन रहा है,
अब कोई अगर मान लिया आरएसएस बीजेपी मोदी अगर एक मिनट मोदी आरएसएस बीजेपी अगर कहे कि हम सेकुलर है तो कोई पानी में मतलब वो डूब के गंगा में भी बोलेंगे तो कोई विश्वास करेगा क्या? गलत शब्द अपने लिए गलत शब्द का चुन रहे हैं। अनिल जी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आज इस बात की आलोचना घोर आलोचना नहीं होनी चाहिए कि लाल किले का इस्तेमाल करके आज मोदी जी ने सेक्युलर सिविल कोड की बात की है और एक तरीके से संविधान को चुनौती दे दी है जो अभी तक नॉर्मल डिस्कोर्स में वो लाने की कोशिश कर रहे थे उस बात को वो लाल किले से कह रहे हैं। मुझे याद है कि परकला प्रभाकर का जो मैंने परकला जी का इंटरव्यू किया था तो परकला ने मुझे इस बात को आई थिंक अप्रैल या मई में कहा था कि ये जो डॉग विसल्स हैं मोदी जी की वो लाल किले से बोलेंगे। आज ये चीज मुझे लगता है कि प्रूव हो रही है धीरे धीरे। उन्होंने अप्रैल या मई में मुझे इंटरव्यू दिया था इसी चैनल पर और एक दो प्लेटफॉर्म्स पर, तब उन्होंने कहा था कि मोदी जी की जो डॉग विसल्स हैं उन डॉग विसल्स को आप लाल किले से सुनेंगे। क्या ये पहली डॉग विसल है यूसीसी को लेकर जो कि आज साबित हो गई प्रूव हो गई? सही कहा था उन्होंने, उनको जरूर आप धन्यवाद करिए, वो जो है उन्होंने आपको अलर्ट कर दिया पहले ही। देखिए ये लेकिन पहला नहीं है लाल किले से जो अपमानित कर रहे हो अपमान संविधान को या जो अपनी लोग अपने लोकतंत्र को, पिछले बार भी बोल कर गए थे अगली बार मैं ही झंडा फहराऊंगा। ये सबसे बड़ा अपमान था संविधान का। संविधान में लास्ट जो भाषण आप कर रहे हैं आपका विदाई है, आप दूसरी बार का आप ही आ जाए लेकिन उनका आपका वो टर्म खत्म माना जाएगा, लेकिन वो बोल के आए कि अगले बार भी मैं ही आऊंगा। अरे वो संविधान वगैरह को एकदम रखते हैं उस पे कुछ नहीं, उसको जरा भी उसका सम्मान नहीं है उनको लिए, और इसीलिए इसके बारे में अब उनको आप क्या आप ये कोई नई बात थोड़ी ही है। अब अभी बताइए कि ये जो उन्होंने कहा कि हम जो है 1 लाख लोग बनाएंगे, अब बताइए भारत का प्रधानमंत्री बताएगा कि एक हम वर्कर्स का ये तैयार करने वाले हैं और वो उसको रोजगार रोजगार नहीं देना है, अब इसका मतलब कि 1 लाख लोगों को वो जो है गवर्नमेंट फंड से वो ट्रोल आर्मी जैसे है आईटी सेल का वैसा वो गवर्नमेंट के पैसे से आर्मी तैयार करना चाहते हैं। ये लास्ट अटेम्प्ट है उनका मोदी जी का और आरएसएस का फाइट करने का, लेकिन लॉस्ट है उनका बैकग्राउंड। देखिए निकलना नहीं चाहते हैं, हर वाइस चांसलर बैठा लिया, हर जगह जो है सो अपने लोग बैठा लिए, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके लिए ये सब जो टेंट्रम्स हैं वो उसके लिए है, इसीलिए इसमें कोई मतलब आइडियोलॉजिकल जगह मत देखिए, लेकिन ये चैलेंज के रूप में लीजिए कि ये यूसीसी वाला और वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा और वो जो 1 लाख वाला, ये 3 चैलेंज आपके पास आया है विपक्ष के पास, इसको आपको कॉन्क्रीट प्रोग्राम के जरिए काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है चलिए अब देखेंगे क्या कुछ करते हैं मोदी जी आज। मैं एक बात जोड़ देती, देखिए इन्होंने एक परिवारवाद कहा है जिसके बारे में 1 लाख युवाओं को लाना है। इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परिवारवाद किसी पार्टी में नहीं है, मैं डेटा के साथ दिया जा सकता है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा फेक। भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, सब जानते हैं, और भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भी इनके पास है, येदियुरप्पा से लेकर चार्जेस का नाम ले लीजिए, और अडानी के साथ ये खुद इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये क्या बोलते हैं क्या? तीसरा पॉइंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने वो आपको बता ही दिया, उसके अंदर एक लाइन है जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं वो गलत होते हैं, वो आधुनिक समाज नहीं बनाते, और पूरा सीए लाए थे ये धर्म के आधार पे डिवीजन कर। तो ये बोलते कुछ और है कर कुछ और रहे हैं, यही चीज इन्होंने आखिर तक बोली है। तो इनके बोलने की बातों पे कोई अब नहीं जाता, इनके कारनामों के खिलाफ लड़ना पड़ता है और अपना हक लेना पड़ता है। बाकी ये चुके हुए लोग हैं, चुका हुआ गेम है, देश जितना बर्बाद होना था हो चुका, आगे निर्माण की प्रक्रिया होगी बस। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। दीपक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।